एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है ट्यूसडे, और ट्यूसडे है और मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, मतलब मेरी कोई वीडियो बन नहीं रही है, क्योंकि अभी जैसे मेरी लाइव चल रही है और उसकी वजह से ना तो मेरी कोई वीडियो बन रही है और ना ही मैं कुछ दिखा पा रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं अपना आपको होम टूर कराती हूँ, और मेरा मन था कि मैं अपना होम टूर कराऊं, क्योंकि किसी भी फ्रेंड्स की, किसी की भी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। और मुझे यहाँ पर काम करते हुए यूट्यूब पर, यानी कि अपने चैनल पर 10वां महीना चल रहा है, सभी फ्रेंड्स के पास कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आती है कि अपना होम टूर कराइए, किचन टूर कराइए, लेकिन मेरे पास कोई अभी तक ऐसा नहीं आया था। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी जब फ्रेंड्स बोलते हैं तभी हमें होम टूर कराना होता है, लेकिन मैंने सोचा आपको मैं अपना होम टूर कराती हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं अपना होम टूर कराती हूँ, तो आज मैं दिखाती हूँ अपना घर कि मेरा घर है कैसा। आई होप जैसा भी है मेरा घर आपको पसंद आएगा, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा मेरा घर आपको, तो ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मैं करा रही हूँ अपने घर का होम टूर, और होम टूर मैं करा रही हूँ आपको, सारी जैसा मेरा घर है मैं सारा ही दिखाऊंगी आपको। तो पहले मैं जहाँ पर मतलब मैं रहती हूँ वहाँ का दिखा रही हूँ। यह कोई मतलब मेरा मेन गेट नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे अंदर एंटर करने वाला ये मेन गेट है, इससे पहले एक मेरा मेन गेट और है जिसको मैं भी बाद में दिखाऊंगी आपको। तो यह दूसरा वाला गेट है जहाँ पर मैं अब अंदर रहते हैं, वहाँ पर इससे एंटर होते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर हो गई हूँ अपने घर में, आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो में आपको देखने को मिलते होंगे सीन, क्योंकि यही है एक मेरे अंदर मतलब घर में, जैसे कह सकते हैं गेस्ट रूम है, या फिर और अपने हम अपनी भाषा में बोलें तो बैठक जैसा, कि कोई भी बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट वो ना तो किसी के अंदर घर में बैठेंगे, यानी कि अंदर कमरे में जा पाएंगे, क्योंकि पहले वो यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद हम चाहे उन्हें अपने घर में अंदर बिठाएं या फिर कहीं पर भी बिठाएं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मतलब खाली जगह है, जिसमें यहाँ पहले रूम हुआ करता था, तो रूम नहीं है अब यह खाली है। तो यहाँ पर हम बैठ कोई भी आते हैं जैसे, तो वहाँ पर बैठते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, ये खुली खुली जगह है, अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, यही है मेरा ये फिश टैंक। तो आप देख सकते हैं अभी ये दाना खा रही है मछलियाँ, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अभी मतलब जैसे मॉर्निंग का ही समय था, तो जैसे ही मेरे घर का काम ख़त्म हुआ, जैसे हर रोज़ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर के आज होम टूर करा दूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई यहाँ पर फरमाइश करे तभी हम अपना होम टूर दिखा पाएँ। हमारी मर्जी भी है, हम अपना होम टूर करा सकते हैं, क्योंकि जैसे हमको अच्छा लगता है हम अपने हिसाब से अपने ब्लॉग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, यही है मतलब मेरा इधर की साइड में बैठक है, और इधर की साइड में मेरा यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, जो कि यह जगह सारी ही खाली है इधर की साइड में। तो यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल रखी हुई है अपनी, आप देख सकते हैं। तो खुली जगह है, काफ़ी अच्छा लगता है, और यहीं पर मतलब खुले में, अब जैसे कि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो खुले में बैठना सब पसंद करते हैं, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल है। और अब आगे को मैं यहाँ से आपको ले जाती हूँ, तो यह मेरे आगे का मतलब मेरा बेडरूम है जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सारा ही नज़ारा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर भी बेडरूम के आगे भी थोड़ी सी जगह मतलब बीच में खाली है, और उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरी ड्रेसिंग लगी हुई है। तो ड्रेसिंग है यहाँ पर, और जैसे कि अभी अंदर कमरे में रखेंगे तो उतना जगह इसके लिए नहीं बनता है, तो ये मतलब बीच में रखी है, और यहाँ जहाँ पर भी रखी है वहाँ पर इसकी जगह एकदम बेस्ट है, ताकि बाहर का भी कोई आए वह भी यहाँ पर आ सकते हैं, और अंदर भी, अंदर से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीच में है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे मेरा खुली जैसे जगह है यहाँ पर खाली, मतलब एकदम से मतलब मेरा ये ज़मीन जो है जिसमें ये घर बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ी है, जैसे कि बीच मतलब इसमें रूम कम बनाए हैं हमने, खुला ज़्यादा रखा है इसको। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरी किचन है। तो जैसे ही अभी हम एंटर हुए हैं डाइनिंग टेबल के बाद में, तो एक साइड में जहाँ पर मेरा मतलब फिश टैंक है, उसके बराबर में ही मेरा ये किचन है, आप देख सकते हैं, ये मेरी किचन है, और काफ़ी मतलब बड़ी भी है, खुली जगह है किचन की भी। तो इस बार मैंने इसको खुला बनवाया था, पहले मेरी बंद थी, तो खुला बनवाया। यह है मेरी किचन है, आप देख सकते हैं। तो किचन टूर मैं अगली वीडियो में कराऊंगी आपको, आप देख सकते हैं, आपकी फरमाइश होगी तो मैं अपना पूरा किचन टूर कराऊंगी आपको, लेकिन अभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको।
तो आप देख सकते हैं खाना बना हुआ रखा है और मैंने सारे काम फिनिश कर दिए थे और खाना भी रेडी है सारे बर्तनों में, मतलब आप देख सकते हैं इसीलिए मेरी किचन में बर्तन है ताकि सब मैं अभी मैंने खाना बना के और साफ़ सफाई की है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यह मेरा किचन है, जो आप मेरी हर रेसिपी में मेरे किचन को तो देख ही लिया है आपने, तो इसी तरह से मेरा किचन है। अभी मेरे किचन में चिमनी नहीं है, वो चिमनी मैं जल्द लगवाने वाली हूँ आप देख सकते हैं। तो अभी मेरा काम चल जाता है, तो यहाँ पर बर्तन देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी धुले थे तो लगाए भी नहीं, अभी कुछ लगा दिए कुछ रखे हुए हैं, तो जैसे ही अब ये सूख जाएंगे तब मैं अपने इनको कबर्ड में लगा दूँगी आप देख सकते हैं। और सारे बर्तन इसलिए रखे क्योंकि खाना बनाया है, सब में खाना रखा हुआ है। और आप कहोगे फ्रेंड्स तो मैं किचन टूर आपकी कमेंट के अनुसार दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा अगला वीडियो में सोच रही हूँ कि किचन टूर में आपको जल्द ही कराने वाली हूँ, इतनी जल्दी नहीं कि अभी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मैं अगले कभी आपको अपनी किचन टूर भी करा दूँगी। तो किचन टूर किचन टूर कराऊंगी मैं जल्द ही आपको। तो जैसे ही मेरी किचन वहाँ से बीच में है, तो किचन के बाद मेरा बेडरूम है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से मेरा अपने अंदर बेडरूम में एंटर हो रहे हैं आप देख सकते हैं, जहाँ पर मेरे बेटा बैठा हुआ है। यह भी एक बेड है जिसको हम सोफ़ा बेड बोलते हैं, तो दिन में हम इसको बेड बना लेते हैं और नाइट में इसको बेड बनाते हैं, दिन में सोफ़ा बेड और नाइट में बेड। तो यहाँ पर एक साइड में जगह भी इतना ज़्यादा नहीं घेरता है और एक तरफ हो जाता है, और नाइट में यहाँ पर ये पूरे में जहाँ पर कालीन बिछी हुई है पूरे में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा बेड है जिसमें ये हम सभी मेरी फैमिली रहती है, इस कम रूम में बेडरूम है ये आप देख सकते हैं, और यही है हमारा एक छोटा सा आसियाना आप देख सकते हैं। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ आप देख सकते हो मेरे शैतान जी को हर समय सामने रहते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा बेडरूम, आपको मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ, और ये है मेरी कबर्ड। यदि मैं जब भी किचन टूर कराऊंगी तो मैं इस अपनी ये कबर्ड भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कैसे कैसे रखती हूँ इसके अंदर। और आप देख सकते हैं तो इस तरह का नज़ारा है मेरे रूम का, यानी बेडरूम का। तो आप देख सकते हैं यह है बेड, और दूसरा वाला बेड भी आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर है मेरा एसी आप देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि मौसम आज का अच्छा है इसलिए, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है मेरी एलईडी, बेड के सामने ही है और काफ़ी अच्छी जगह बन मिली थी यहाँ पर इसको लगाने की, और सामने से देख भी सकते हैं। और दोस्तों मुझे अपने घर में कुछ चीज़ें सजा के रखने का या कुछ शोकेस वगैरह कुछ चीज़ों को रखने का मुझे पहले से ही बहुत शौक रहा है। तो अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा इस तरह से मेरा बेडरूम है, और आप ये सामने हैं जो कि मेरे इसमें शीशे के अंदर कवर हैं ये सारी चीज़ें। तो इस तरह का मेरा बेडरूम है, बेड के सामने का नज़ारा है ये आपको मैंने दिखाया है, और यह है मेरा इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे बेड के बेडरूम के सामने का नज़ारा है, इस तरह से है मेरा बेडरूम आप देख सकते हैं। तो मैं अपना बेडरूम आपको दिखा रही हूँ, तो कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और सामने भी ये कवर्ड है जो आप देख रहे हैं, और यह है मेरा मेरी फैमिली फ़ोटो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरी फैमिली फ़ोटो भी है, आप यहाँ पर और भी फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन अभी मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था कि मैं अपना यहाँ पर ये दिखाऊंगी अपना ये होम टूर कराऊंगी। बस अचानक सुबह सुबह मन हुआ कि चलो मैं अपना होम टूर करा देती हूँ, मेरी वीडियो भी नहीं गई है इसलिए। तो यही है मेरा बेडरूम आप देख सकते हैं, और जब मैं अपना किचन टूर कराऊंगी तो अपनी ये कबर्ड को मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सभी को कि मैं किस तरह से कैसे कैसे इनके अंदर सामान रखती हूँ, और किचन के अंदर मैं कैसे कैसे सारी चीज़ों को रखती हूँ, जैसे बर्तन हुए या मेरे घर की सामग्री हुई, सभी को मैं आपकी दिखाऊँगी। आपकी रिक्वेस्ट होगी तो और जल्दी से दिखाऊँगी। तो दोस्तों अब आ जाती हूँ मैं अपने इधर, यह एक मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है इधर, और वॉशिंग मशीन के सामने ही मेरा वॉश बेसन है आप देख सकते हैं, और इसके पास ही मेरा वॉशरूम है। तो वॉशरूम तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वॉशरूम होता है, और वॉशरूम है उधर तो साइड में, लेकिन उधर ही मेरा वॉशरूम है और वॉश बेसन है, और उधर ही मेरी वॉशिंग मशीन है जो कि अभी थोड़ा सा क्लिप ली है उसकी। तो ये हो गया मेरा इधर का, और आप देख सकते हैं। तो अब मैं जैसे अपने घर से निकल के आ गई हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं, तो अंदर का मैंने सारा दिखा दिया है, और जैसे ही मैंने अंदर का गेट खोला था उसी के जस्ट बिल्कुल पास में ये सीढ़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, तो यह ऊपर जाने के लिए हैं। तो यहाँ से मेरी सीढ़ियाँ हैं और यहीं पर मेरा मेन गेट है,
सीढ़ियों के पास में अभी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मतलब मैंने एंटर कराया था अभी आपको, जो सारी चीज़ें दिखा दी हैं। और यह इसके बाद नीचे है मेरा हॉल, जो कि जैसे अभी रास्ते ख़राब हैं हमारे यहाँ पर, तो उस तरह से अभी आधा मतलब जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ उसको अच्छी तरह से, यानी कि कह सकते हैं कि फर्श वगैरह या टैल पत्थर वगैरह कुछ नहीं लगाया है जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यह है मेरा हॉल। तो हॉल है मेरा ये, और हो पूरा ही मतलब मेरे जो ज़मीन है आधी में मेरा इधर रहने का बना हुआ है और आधी में मेरा गाड़ी खड़ी है सॉरी। और इधर मतलब कोने में यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है वो लगाया हुआ है, और क्योंकि खुली जगह में ये चीज़ रखी रहती है तो अच्छी रहती है। और यह है मेरी गाड़ी, आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी है मेरे मेरे घर में। और आप देख सकते हैं यह मेरा हॉल है, और हॉल में भी इस तरह से आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। और इसी तरह से ये खुली जगह है, जब गाड़ी चली जाती है तो काफ़ी बड़ा ये लगता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप। और दोस्तों मेरा मेन गेट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और यहाँ पर इस तरह से मैं अपने हॉल में अपने कपड़े वगैरह भी सुखा लेती हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे आंधी है, बारिश है, तूफान है, तो मैं अपने घर में ही अपने कपड़ों को सुखा लेती हूँ। तो दोस्तों यह है मेरा मेन गेट, आपको दिखाती हूँ। यह है मेरा मेन गेट है, जिसको मैंने आपको बाहर से एंटर नहीं कराया है, क्योंकि बाहर का जो मेरे घर के सामने का नज़ारा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जो कि यह बात सच है, क्योंकि ये खाली प्लाट पड़ा हुआ है और उसमें लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया। कुछ दिनों में वो सही हो जाएगा तो मैं अपने बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा घर सच में काफ़ी अच्छा है मेरे लिए और काफ़ी बड़ा भी है। तो दोस्तों जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहीं पर यह वाला रूम है, आप देख सकते हैं। तो यह है गेस्ट रूम है, इसमें आप गेस्ट को भी मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी आ जाते हैं तो यहाँ पर उनको सुला देते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो ये मेरा गेस्ट रूम है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा हॉल में मतलब कमरा बना हुआ है, तो एक रूम मेरा उधर है, एक रूम मेरा यहाँ पर है, और एक रूम मतलब एक साइड में है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा मतलब हॉल का कमरा है, और इसी बेड पर मैं अपनी एलबी करती हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे शांत माहौल लगता है। और उधर जब मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पर सभी घर में मतलब मेंबर्स रहते हैं जो मेरे फैमिली है। तो इस तरह का है मेरा घर का टूर, आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मेरे चैनल को। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा घर का होम टूर प्लीज़ बताना कमेंट में। इस तरह से है मेरा घर, और इसी के बराबर मेरा एक प्लॉट और है, अगली बार मैं उसको दिखाऊंगी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो बिल्कुल बताना, और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।